रायबरेली में ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के बैनर तले मिड डे मील वर्कर्स आशा बहुओं ने विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। सभी ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा। दोपहर बाद जिलाधिकारी कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब सैकड़ों की संख्या में पहुंची महिलाओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। मिड डे मील वर्कर्स ने बताया कि हम लोगों को लगभग महीने में 2,000 वेतनमान मिलता है, जिसके लिए हमको 6 से 7 माह का इंतजार करना पड़ता है। वेतन ना मिलने से हम लोगों के परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से लोग आए हुए हैं, जिन्होंने कुछ समस्याओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, महामहिम राष्ट्रपति के लिए और स्थानीय समस्याओं पर जिलाधिकारी के लिए ज्ञापन दिया है। और जो भी ज्ञापन में इनके बिंदु होंगे उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूरे देश के अंदर 10 ट्रेड यूनियन महासंघों का आह्वान था और पूरे देश का मजदूर, मेहनत का लोकतंत्र पसंद लोग आज सड़क पर हैं और अपने सवालों को लेकर के आज जिला मुख्यालयों पर, प्रदेश के मुख्यालयों पर अपना प्रदर्शन करते हुए, अपनी ताकत का इजहार करते हुए अपने सवालों को उठा रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।